हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी मशरूम की सब्जी। आई नो मशरूम बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, बट आप इस तरह से बनाएंगे तो मशरूम ना खाने वाले भी ज़रूर खाएंगे। मशरूम बहुत हेल्दी होते हैं, इसे ज़रूर खाना चाहिए। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने एक पैकेट मशरूम लिया है और इसको मैंने हाफ हाफ कट कर लिया है। दो मीडियम साइज प्याज लिए हैं, इन्हें पतला और लंबा काट लिया है। और थ्री मीडियम साइज के टमाटर मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और काजू लिए हैं, इन्हें मैं रोस्ट करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। गरम मसाला लेना है। हल्दी लेंगे। हरे मटर लेने हैं, ये फ्रोज़न मटर हैं। स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर लेंगे और ग्रेट करके यहाँ पे लहसुन लेना है, गार्लिक लेना है। नमक लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में दो टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर सबसे पहले हमने प्याज डालने हैं। तो ये प्याज डाल दिए। अब इन्हें ट्रांसल्यूसेंट होने तक, यानी कि जब लाइट पिंक हो जाए तब तक ही इन्हें फ्राई करना है। तो प्याज हो गए हैं लाइट पिंक। अब इसमें मशरूम डाल लेंगे और गार्लिक भी ऐड कर लेंगे, यानी लहसुन भी ऐड कर लेंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला है और मैं कम ऑयल में ही ये सब्जी बनाने वाली हूँ। अगर आपको ऑयल और डालना है तो आपकी चॉइस है। कम ऑयल में भी अगर सब्जी अच्छी बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बस आपको पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगता है बट हेल्दी तरीके से सब्जी बन जाती है। नमक डाल देंगे, इसमें मिक्स कर लें। अब इसमें एक कप पानी डालेंगे। और इसे कवर करके पकाएंगे मशरूम के सॉफ्ट होने तक। सब्जी को हिला लेंगे, चेक कर लेंगे मशरूम सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। अभी मशरूम सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो इसे फिर से कवर कर दें। तो जब तक मशरूम सॉफ्ट हो रही है, आपने क्या करना है, काजू को रोस्ट करके रख लेना है। अब फिर से चेक कर लेंगे। मशरूम सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। और ये बाउल में थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ था तो ये पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। मिक्स कर लें। और ये मटर मैं अब इसमें डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फ्रोज़न मटर हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसलिए इन्हें पहले नहीं डाला। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो आप मशरूम के साथ ही मटर को भी डाल दें। अब सारे स्पाइसेस डाल देंगे इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्पाइसी वाली लाल मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बच्चे मशरूम नहीं खाते हैं तो आप मशरूम को बहुत छोटे पीसीज में डाल के भी ये सब्जी बना सकते हैं। छोटे पीसीज करने पर वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएगी, जिससे बच्चे खा भी लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ मशरूम ही नहीं, जो भी सब्जी आपके बच्चे नहीं खाते हैं उन्हें छोटा छोटा करके या मैशी करके आप सब्जी में ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसे बना के खिलाएं, आपके बच्चे फिर ज़रूर खाएंगे। तो मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब इन्हें भूनेंगे मिक्सर के ड्राई होने तक। तो अब इसे कवर कर देते हैं, ग्रेवी को पकने देंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाती। और सब्जी को बीच बीच में चलाते भी रहें, फ्लेम को आपने स्लो ही रखना है। अब चेक कर लेते हैं, ग्रेवी ड्राई हो रही है। अब कुछ देर ग्रेवी को हम ओपन ही पकाएंगे।
मशरूम सॉफ्ट है और मटर भी सॉफ्ट है और ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है, ड्राई हो गई है। अब इसमें ये रोस्ट किए हुए काजू डालेंगे। फ्रेश धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें। हम सब्जी को अब बाउल में निकाल लेंगे और इसे मैंने फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो ग्रेवी में धनिया डालने के साथ ही फ्रेश क्रीम डाल के मिला सकते हैं। तो ये कश्मीरी मशरूम की सब्जी तैयार है। बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डले हैं इसमें। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।